बच्चों, ये है आप लोगों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फाइनल रिवीजन का वीडियो नंबर 31। अब मैं आपको एक प्लीज वाला वाक्य लिखवाना चाहता हूँ, तो आप लिखो, हम उसकी डिस्कस करते हैं। वाक्य लिखवा करें। राम से टू सीता इन्वर्टेड कोमा में प्लीज हेल्प मी। ओके बच्चों, तो ये वाला वाक्य कैसे सॉल्व होगा? बोलना राम, वाक्य में बिंदी का भाव थे तो रिपोर्टिंग आया रिक्वेस्टेड, संभालना सीता, संयोजक टू और प्लीज निकल जाएगा, बराबर। तो प्लीज को निकाल दो तो आया हेल्प, हेल्प, और उसके बाद मी है, आई मी, दूसरा क्रम, आई मी माई, बोलनार मुजफ्फर है, बोलनार जय राम, तो ही हिम। ओके, अब बच्चों मान लो कि किसी वाक्य के नीचे ओके लिखा है, ओके, तो क्या करना है? तो ओके यानी सहमति का भाव, तो ओके वाले वाक्य का जवाब ऐसे होगा, बोलनार, एग्रीड विथ और सांभलनार, बराबर। और मान लो कि ऊपर वाला वाक्य, आप बराबर ध्यान रखना, ऊपर वाला वाक्य सादा है और नीचे यस है, तो वो भी सहमति का भाव हुआ। आई रिपीट अगेन, ऊपर वाला वाक्य सादा है और नीचे यस है, तो भी वो सहमति का भाव हुआ, तो भी आपको ऐसे लिखना है, बोलनार एग्रीड विथ सांभलनार। अगर ऊपर ऊपर वाला वाक्य सादा है, नीचे नो है, तो वो हुआ असहमति, तो बोलनार डिसएग्रीड विथ और सांभलनार। पर मान लो कि ऊपर वाला वाक्य प्रश्नार्थ है और नीचे यस लिखा है, तो वो हुआ सवाल का जवाब, बराबर। तो बोलनार, उसका जवाब बनेगा बोलनार रिप्लाइड सांभलनार पॉजिटिवली, और ऊपर वाला वाक्य प्रश्नार्थ और नीचे नो हो तो बोलनार रिप्लाइड सांभलनार नेगेटिवली, इस प्रकार से, बराबर बच्चों। तो ये बहुत छोटे छोटे जो माइनर माइनर रूल्स है, बराबर। और वो ये सब मान लो कि जब आप कोई भी डायलॉग सॉल्व कर रहे हो, मैंने जितना बोला उससे ज्यादा भी आप सॉल्व कर रहे हो, और जब वाक्य सामने आता है ना, बराबर, तब ज्यादा आपको उसकी प्रैक्टिस होगी, बराबर। जब डायलॉग आप सॉल्व कर रहे हो, बराबर, तो जब उसका सेंटेंस सामने आएगा तब तो उसकी ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, बराबर बच्चों। और दूसरी बात कि मैं दोनों क्लास के बच्चों को बता दूं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आप जितने ज्यादा डायलॉग सॉल्व करोगे, जितने भी ज्यादा डायलॉग सॉल्व करोगे आप, उतने आपकी ज्यादा मार्क्स आएंगे, उतना आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, बराबर। तो कॉम्प्लिकेशन भी आएगी, वो आप मुझे पूछते रहना, बराबर बच्चों। तो उतने आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे, और 4 मार्क्स, 3 या 4 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते 10वीं या 12वीं के लिए, बराबर। ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। ओके बच्चों, और दूसरी बात कि हम जो टीचर लोग हैं वो लोग हम सजेस्ट करते हैं, हम रास्ता बताते हैं, बेटा तुझे इस रास्ते पे चलना है, और जो जो स्टूडेंट हमारी एडवाइस मानकर चलने लगते हैं तो उसका एवन ग्रेड, ए ग्रेड आसानी से आ जाता है, और जो बच्चे इसको सिर्फ मजाक में लेते हैं, बराबर, तो उसके अच्छे नंबर्स नहीं आते। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप रियली समझ सकते हो कि मैं क्या आपको कहना चाहता हूँ। ओके बच्चों, तो वो आपको करना है, बराबर। और अगले दिन से, दूसरी एक बात कि ये नेक्स्ट डे से मैं आप लोगों को, आप लोगों का 10वीं और 12वीं क्लास का, हम तो 9, 10, 11, 12 सभी क्लास का, सभी क्लास में चल रहा है, 9वीं 10वीं और 12वीं क्लास का मैं टेंस का टॉपिक चालू करने जा रहा हूँ, बराबर। तो उसकी आप तैयारी रखना, एक्टिव और पैसिव की, नो 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 टेंस की, एक्टिव और पैसिव की वाक्य रचना भी आप याद कर लेना, बराबर बच्चों। और कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप बेझिझक पूछ लेना, बराबर। थैंक यू।